नमस्कार, बीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है नागपुर वाइन क्लब के डायरेक्टर दीपक खनुजा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। नागपुर वाइन क्लब द्वारा जो है 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, वैसे तो हर साल ये वाइन एंड फूड फेस्टिवल होता है, ये जो साल है 8वां साल है वाइन एंड फूड फेस्टिवल का, क्या बताओगे सर इस फेस्टिवल के बारे में, इस बार क्या खास रहेगा इस फेस्टिवल में? यस, थैंक यू क्षितिजा। एक्चुअली दिस इज 8th इवेंट। 10 साल हमारे वाइन क्लब को हो गए, लेकिन फेस्टिवल का ये 8वां साल है। तो इसमें खासियत ये है कि इस बार 9 वाइनरीज पार्टिसिपेट कर रही है। 9 वाइनरीज पार्टिसिपेट कर रही है, यानी उनके 9 स्टॉल्स रहेंगे वहाँ पे, प्लस 7 फूड स्टॉल्स रहेंगे, प्लस वहाँ पे लाइव म्यूजिक ये रहेगा। ये इस बार इवेंट की खासियत है इस बार। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि हर साल ये इवेंट होता है, लेकिन कोविड के वजह से मुझे लगता है शायद से पिछले साल ये इवेंट नहीं हो पा रहा था। बेसब्री से नागपुरवासी जो है इसका इंतज़ार करते हैं। क्या बताओगे कौन सी वाइनरीज कंपनी जो है इसमें शामिल होने वाली है? यस, वी हैव इंडिया की जो सबसे ज़्यादा रेपूटेड ब्रांड्स है, दे आर पार्टिसिपेटिंग। जैसे कि उसके अंदर में आपने सूला का नाम सुना होगा, ग्रोअर जाम्पा है, फ्रेटेली है, देन वर्जिन हिल्स है, रियो है, प्रोजांटे है। इस प्रकार की ये कंपनीज जो है इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है पार्टिसिपेट कर रही है। बिल्कुल सर, ये 9 वाइनरीज कंपनी जो है इसमें आ रही है, क्या बताओगे ये फेस्टिवल कितने दिनों का है, क्या इसकी खासियत रहेगी, और जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या मतलब दे रहा है ये फूड फेस्टिवल और वाइन फेस्टिवल? ये फेस्टिवल 2 दिन का है, सैटरडे संडे, 4th and 5th December। सैटरडे को ये शाम को 5:30 बजे शुरू होगा, रात को 10 बजे खत्म होगा। संडे को ये 12 बजे शुरू होगा, रात को 10 बजे खत्म होगा। जो वाइन एंड फूड फेस्टिवल है, ये एक आपको मौका देता है एक फैमिली के साथ में एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करने के लिए। बिकॉज हमारे पास 25% जो पब्लिक आती है, उन्होंने कभी वाइन जिंदगी में टेस्ट नहीं किया रहता, तो काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पे रहते हैं जो वाइन टेस्ट करते हैं। तो यू कैन नॉट से दैट इट इज़ अ लिकर इवेंट और समथिंग लाइक दैट। ये जो है एक फैमिली इवेंट होता है। वहाँ पे हम लोग एक लाइव बैंड म्यूजिक शुरू रहता है, जो कि वेस्टर्न म्यूजिक इंडियन म्यूजिक दोनों प्ले करता है। वहाँ पे एक बहुत सुंदर एम्बियंस होता है। तो वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एक ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया वाइन फेस्टिवल ये फैमिली फेस्टिवल है, मुझे ये बताइए कि वाइन पीने के फायदे क्या है और इससे कुछ नुकसान होता है? या बेसिकली देखिए, वाइन यानी अल्कोहल है ना, लेकिन हार्ड लिकर में आप देखिए कि अल्कोहल कंटेंट इज मोर देन 40%। वाइन में जो अल्कोहल कंटेंट होता है वो होता है 10-15%। ये रिसर्च में कहा गया है, कई डॉक्टरों ने भी कहा है कि अगर वाइन को एक लिमिटेड क्वांटिटी यानी 100 ml अगर आप रेड वाइन को रोज कंज्यूम करते तो इट एड्स टू योर हेल्थ, यानी आपके स्किन पे ग्लो आएगा, चेहरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और यही अगर 100 ml आप हार्ड लिकर कंज्यूम करेंगे पर डे तो वो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है। तो हमेशा ये कहा है कि आपने आयुर्वेद में सुना होगा द्राक्षासव करके एक दवाई जैसी होती है। व्हाट इज द्राक्षासव? द्राक्षासव इज नथिंग, 80% इज रेड वाइन, 20% बाकी उसके अंदर में आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह जाता है, लेकिन 80% वो रेड वाइन ही है। तो इसी प्रकार से आयुर्वेदिक में भी कहा गया है कि वाइन इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। कहा जाता है वाइन जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी रहती है। इसमें कितना तथ्य है और यहाँ पे कौन सी ऐसी वाइन आने वाली है, मतलब पुरानी वाइन मिलेगी? नहीं देखिए, सबसे बड़ा मिथ है ये कि वाइन जितनी पुरानी रहेगी अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक बार वाइन बॉटल्ड हो गई तो उसका एक शेल्फ लाइफ होता है। वाइन देखो दो प्रकार से पैक होती है, एक होता है स्क्रू कैप, एक होता है कॉर्क का। तो स्क्रू कैप वाला अगर आप वाइन कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं रहनी चाहिए। स्क्रू कैप में कॉर्क वाले कैप में 3 साल तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वाइन ख़राब हो जाती है, बट उसका टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है।
और दूसरा क्या रहता है कि वाइन शुड बी केप्ट इन ए कूल कंडीशंस। अगर आप उसको प्रॉपर कंडीशंस में नहीं रखेंगे ना तो वाइन की क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है। मैंने ऐसा नहीं है कि वो कुछ जहर बन जाएंगी या कुछ जाएंगे, वाइन पुराने नहीं होती, ऐसा नहीं रहता है। अब दूसरा सवाल है कि जो कहा जाता है कि ओल्ड वाइन, तो ओल्ड वाइन जो होती है ना वो कंपनी के पास बैरल्स में होती है, उन लोग एक प्रॉपर कंडीशन में उसको रखते हैं, तो वो जो पुराने कहा जाता है कि वो साल का विंटेज का वाइन है, वो साल के जो ग्रेप से निकाला गया था, फिर उसको एक अप्रोप्रिएट कंडीशंस में वो लोग वाइन को रखते हैं, वो वाइन जो है वो ठीक है, वो पुरानी चल जाती है क्योंकि वो एक प्रॉपर कंडीशन में प्रॉपर स्टोरिंग किया जाता है। लेकिन वंस इट इज बॉटल्ड इट हैज अ पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ। बिल्कुल, जैसे कि आप इतना बड़ा फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हो, कोविड का दौर चल रहा है, कोविड जो है अभी तक गया नहीं है, तो कौन सी गाइडलाइंस यहाँ फॉलो की जाने वाली है, क्योंकि इतनी पब्लिक यहाँ आने वाली है, क्या बताओगे गाइडलाइंस? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो अभी गाइडलाइंस है प्लस लोकल कॉरपोरेशन की भी जो गाइडलाइंस है, पहली गाइडलाइन ये है कि जो आपकी लॉन की कैपेसिटी, ऐसे ये जैसे ये आउटडोर इवेंट है तो 25% से ज़्यादा वहाँ पे भीड़ नहीं रहना चाहिए लॉन की कैपेसिटी के हिसाब से। तो हम लोग हमेशा देखेंगे कि वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं रहना चाहिए कि 25% से ज़्यादा लोग रहे। सेकंड, एंट्री विदाउट मास्क इज नॉट अलाउड, टेम्परेचर चेक किया जाएगा उनका, उसके बाद में उनके पास हर एक का स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा कि उनके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं, यानी दोनों डोसेस का अगर उनके पास में सर्टिफिकेट है तो ही उनका एंट्री दी जाएगी। ये हम लोग कोविड गाइडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल, क्या बताना चाहोगे नागपुर वासियों को फेस्टिवल के बारे में, मतलब 4 और 5 को है, किस तरह की एंट्री रहेगी, किस तरह का उनका मतलब एंट्रेंस के बाहर उन्हें क्या क्या दिया जाएगा किट में, ये सब जानकारी क्या देना चाहोगे? बेसिकली देखिए, इसका एंट्री टिकट रहेगा 500 रुपीज। जब आप लोग यहाँ पे एंटर होंगे आपको एक किट दिया जाएगा, उसके अंदर एक वाइन ग्लास फ्री दिया जाएगा, प्लस उसमें जो हमारे जो वाइन के वाइनरीज के जो काउंटर से 9 काउंटर्स है, आपको एवरी वाइनरी काउंटर पे आपको 30 ml का वाइन टेस्टिंग के लिए फ्री मिलेगा। तो आप सोचते 270 ml की वाइन आपको फ्री रहेगी, आपको उसको अपने कूपन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपने वाइन टेस्ट करने के बाद में आपको वहाँ पे कोई वाइन पसंद अगर आती है तो यू कैन परचेज दैट वाइन, और वो वाइन वहाँ पे स्पेशली 10-30% डिस्काउंट में अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू वाइन शॉप, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको ऐसे जो देखने को मिलेगा कि फर्स्ट टाइम इंडिया में जो वाइन्स कुछ लॉन्च हो रही है जो आपको शॉप्स में नहीं मिलेंगी, वो वाइन्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये हो गया वाइनरी का पार्ट। सेकेंड हो गया आपका फूड स्टॉल्स, वहाँ पे हमारे पास 7 फूड स्टॉल्स है जो कि वाइन के साथ में प्रॉपरली पेयर की है, जो फूड है वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा, स्टार्टर्स अवेलेबल रहेंगे, मेन कोर्स अवेलेबल रहेगा। सेकंड, उसके बाद में हमारे पास में लाइव म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक यानी हम लोगों ने एक बैंड को ऑर्गेनाइज़ किया जो कि बैंड दोनों दिन वहाँ पे परफॉर्म करेगा, जो कि वेस्टर्न म्यूज़िक हिंदी म्यूज़िक दोनों प्ले करेगा, बहुत अच्छा माहौल बनाता है, बहुत लोग डांस करते हैं वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ वहाँ पे। उसके बाद में एक एडेड अट्रैक्शन है जो कि इंडिया में बहुत कम फेस्टिवल्स में होता है, दैट इज़ अ ग्रेप स्टॉम्पिंग इवेंट। ग्रेप स्टॉम्पिंग इवेंट यानी क्या होता है कि एक बहुत बड़ा वैट होता है लकड़ी का, पूल टाइप का, उसके अंदर में हम लोग ग्रेप्स को डालते हैं, तो यंग गर्ल्स उसके अंदर में अपना ग्रेप को क्रश करती है, तो ग्रेप जो क्रशिंग होता है तो यंग गर्ल्स वो इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। इन दोनों के लिए ये दोनों दिन होगा ये ग्रेप स्टॉम्पिंग इवेंट, इसके लिए हम लोगों ने सेलिब्रिटीज़ भी बुलाई है। फर्स्ट डे जो सेलिब्रिटी रहेगी वो इंद्राक्षी बासु रहेगी जो कि इंटरनेशनल ग्लैम आइकॉन है। सेकेंड डे रहेगी वर्तिका पाटिल, उन्होंने भी काफ़ी अवार्ड जीता। ये दोनों दिन ये आने वाली इवेंट के दिन। बिल्कुल, जिस तरह से सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है वाइन फेस्टिवल को लेकर, और बहुत दिनों के बाद जो है एक साल गुजर गया है, एक साल के बाद ये वाइन फेस्टिवल फिर से नागपुर में होने जा रहा है, तो नागपुर वासी हो तैयार रहिए वाइन फेस्टिवल के लिए और एंजॉय कीजिए। आज की खास मुलाकात में वक्त चला यही रुकने का, ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।